इंडिविजुअली तौर पर हम ये समझते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया को हमने ये करना वो करना। सर हम हर चीज़ में कंपैरिजन कर लेते हैं, लेकिन जब डेवलपमेंट की बात आती है तब हम कंपैरिजन करते हैं। जब वहाँ पे वो बड़ा बताते हुए हमें शर्म क्यों आती है? कौन से कश्मीर के अंदर ज़्यादा डेवलपमेंट नज़र आती है आपको, हमारे कश्मीर में या इंडिया के पास जो कश्मीर है उसमें? दोनों में हो रही है सर, दोनों में हो रही है। थोड़ा डिफरेंस बताइए। बात को अंडरस्टैंड करें आप, वो कहाँ पहुँच गए? हम लोग अभी भी जनाबेली दुश्मन 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 करके वो अपना काम निकाल के हमें आटे की लाइनों में लगा गए ये लोग। ठीक है सर, कितना बड़ा इंडिया में वो लोग नहीं है जो रात को उठा के लेके जाते हैं, यहाँ वो लोग हैं जिनसे मैं अभी 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 मुद्दे पे आए हैं, जिनसे मैं भी डरता हूँ आप भी डरते हैं। जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसके सियासतदान तवज्जो, बेसिकली बात करने का पर्पस ये है, अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान के मौजूदा हालात के ऊपर बात करते हुए, अगर मैं पाकिस्तान के रेलवे निज़ाम के ऊपर आपकी थोड़ी नज़र दौड़ाना चाहूँ, तो पाकिस्तान के रेलवे निज़ाम अगर दुनिया के किसी मुल्क के साथ कंपेरिजन करें तो किसके साथ हो सकती है मौजूदा हालात को देखते हुए? मौजूदा हालात को देखते हुए तो इस निज़ाम का अपने अकेले कंपेरिजन आप बांग्लादेश से नहीं कर सकते, श्रीलंका से नहीं कर सकते। उसकी वजह है क्या? वजह सर, वजह आपके सामने, हमारा निज़ाम को इतना अपना है, हाई फाई नहीं है। मेरे ख्याल में मैंने अगर अपना कहने के कम बेचते को 10 साल पहले मैंने सफ़र किया था, जब ये नई इस्लामाबाद टू लाहौर इन्होंने जनाब कहने के ट्रेन चलाई थी, 10 साल हो गया मुझे। अगर निज़ाम अच्छा हो तो मैं अपनी कन्वेंस का भी ना इस्तेमाल करूँ आउट ऑफ सिटी के लिए, मैं अपनी ही उस पर अपने कहने के ट्रेन यूज़ करूँ। मैं निज़ाम अच्छे नहीं है, सिलसिले अच्छे नहीं हैं, आपको मतलब किसी किस्म की फैसिलिटी बताएं कितनी मिलती है वहाँ पर? वो इंडिया देख लें, उनकी ट्रेन भले मतलब दूसरे तीसरे नंबर पर आती है। जी 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 जी, और हम वो क्या है, हमारा कितना फ़र्क है उनका, एक बॉर्डर का फ़र्क है, ये चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है। सर अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है सर, पूरे इंडिया में तो चल तो रही है। इलेक्ट्रिक ट्रेन तो उन्होंने बड़े अरसा पहले चला दी भाईजान, उन्होंने कल परसों ही हफ्ता हुआ है उन्होंने लॉन्च की है मर्सिडीज इलेक्ट्रिक कार। ठीक है, मर्सिडीज इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर दी है उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चर, और हमारे यहाँ पर आटे की लाइनें लगी हुई हैं। बात को अंडरस्टैंड करें आप, वो कहाँ पहुँच गए? हम लोग अभी भी जनाबेली दुश्मन 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 करके वो अपना काम निकाल के हमें आटे की लाइनों में लगा गए ये लोग। ठीक है सर, कितना बड़ा अलमिया है, सोचने की बात है। एक तरफ हम क्या यहाँ पर मैं और आप दोनों मिलकर इंडिया के मुर्दाबाद के नारे लगाते फिर सारा दिन रात, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, फर्क किससे पड़ेगा, मैं और आप काम करेंगे तब पड़ेगा। एग्जैक्टली, सबसे पहले हम लोगों को चेंज होना होगा। जब हम लोग चेंज होंगे ऑटोमेटिकली ये सिस्टम चीरू का। अच्छा, यहाँ पे क्या होता क्या है, एक पुलिस वाले को आप ले लें, हम लोग खुद अपना गलत है। अगर हम लोग एक पुलिस वाले को रिश्वत नहीं देंगे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, वो एक दिन आप पे रोब झड़ेगा, दो दिन झड़ेगा, तीसरे दिन जब आप उससे कंप्लेंट करेंगे ऑटोमेटिकली आप मतलब के वो सिलसिला अपना पीछे आएगा ना। ये खुद खराब कर रहे हैं, हम खुद खराब हैं, तो इसलिए हम पे हुक्मरान भी ऐसे ठीक है मुसल्लत हुए हैं। आज ये देख लें क्या हालत हुई हुई है, ये शहबाज शरीफ देख लें, ठीक है, ये इमरान खान की जनाब अली अपना देख लें, कैबिनेट देख लें आप। मैं इमरान खान को बुरा नहीं कहता, वो बंदा अपना जनाब गुड आदमी है, कैबिनेट देख लें उसकी, ठीक है, ये शहबाज शरीफ, ये सब चले हुए कारतूस हैं, ये आज फिर हम पे मुसल्लत हो रहे हैं, क्या था सर? अगर हम देखें तो हम यहाँ पर एज ए इंडिविजुअली तौर पर हम ये समझते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया को हमने ये करना वो करना। सर हम हर चीज़ में कंपैरिजन कर लेते हैं, लेकिन जब डेवलपमेंट की बात आती है तब हम कंपैरिजन करते हैं। जब हमें वो बड़ा बताते हुए हमें शर्म क्यों आती है? सर शर्म तो ऑब्वियसली आएगी ना, जब आप एक दुनिया में किसी भी खत्ते में जाके डील कर रहे होते हैं और वहाँ पर बंदे से कह रहे होते हैं भाई मुझे 30% दे, और अपनी उस चीज़ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। आप कहते हैं कोई नहीं यार, थकी बना दे, मेरा 30 मेरी जेब में दे दे, ठीक है। इंडिया का बंदा भी डील लगाता है, वो भी करता है करप्शन, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो कहता है भाई मैं चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा अपने मुल्क के साथ, 30% मैं लूँगा ज़रूर तुझसे, लेकिन मैं चीज़ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। ये है डिफरेंस। हमारे यहाँ पर मुसलमान हम लोग हैं, हमारा यहाँ पर ईसाई जो भाई है यहाँ पर, ठीक है, वो एहतियात करेगा कि मुसलमानों को रोजे चल रहे हैं, जबकि मुसलमान यहाँ खड़े हुए उस्ताद जी अपना वो पेप्सियाँ चढ़ा रहे हैं यहाँ पर। ये डिफरेंस है सर, एहसास मर गया हम पे, एहसास हो तो मसला ही नहीं है, गैर मुस्लिम फिर आपका एहसास कर लेता है। सही हो गया सर, बहुत
जबरदस्त हो गया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर। सर नाम आपका? आमिर। क्या करते हैं? वकालत। जबरदस्त, हमारे साथ एक लॉयर साहब मौजूद हैं। सर बेसिकली बात करने का पर्पस ये है, अगर मैं रेलवे निज़ाम की बात करूं तो हमारे रेलवे निज़ाम को आप कौन से मुल्क के रेलवे निज़ाम के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं मौजूदा टाइम के अंदर? रेलवे निज़ाम पाकिस्तान का इस वक्त तो मैं इंडिया के साथ भी कंपैरिजन नहीं कर सकता सर। इंडिया का दुनिया के दूसरे तीसरे नंबर पर? मैं वही कह रहा हूँ, मैं तो उसके साथ भी कंपैरिजन नहीं कर सकता इसको तो फिलहाल, मैं किसी के साथ हाँ इसको पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन कर सकता हूँ। अपने निज़ाम को अपने शहरों के साथ कंपैरिजन कर लेंगे, कौन से शहर का अच्छा कौन सा बुरा है ये आप कह सकते हैं, किसी मुल्क के साथ तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, ये सोचिए कि बिना। सर अगर मैं बात करूँ तो हमारे लोग यहाँ पर कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रही, आप बताइएगा कि आप एक एज अ लॉयर है, रिसर्चिंग तो करते ही होंगे आप, कौन से कश्मीर के अंदर ज़्यादा डेवलपमेंट नज़र आती है आपको, हमारे कश्मीर में या इंडिया के पास जो कश्मीर उसमें? दोनों में हो रही है सर। दोनों में हो रही है? दोनों में हो रही है। थोड़ा डिफरेंस बताइए। डिफरेंस जो कश्मीर उनके पास है वो खूबसूरत कश्मीर है बहुत ज़्यादा, जो हमारे पास में थोड़ा सा डिफरेंस है तो ज़ाहरी बात है वो उनके पास जो है वो मकबूजा कश्मीर कहते हैं, पूरी दुनिया को हमने ये बताया वो कब्जा कर रहे हैं, जो जहाँ कब्जा किया वहाँ अहराजात भी ज़्यादा कर रहे हैं इंडिया, तो उसको खूबसूरत करने के लिए वो आगे कुदरती ज़्यादा खूबसूरत है, तो इंडिया के अहराजात भी वहाँ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये इशू है, इंडिया तो कहता है कि पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ कश्मीर के उधर, और पाकिस्तान कहता है इंडिया ने कब्जा किया हुआ। खैर ये एक अलग डिबेट है, इस पर फिर कभी बात करेंगे, अभी हम बात करें डेवलपमेंट के अंदर। तो डेवलप के अंदर के आप मैं बताना चाहूँगा, आपने कहा कि पाकिस्तान भी कर रहा है और इंडिया भी कर रहा है, सर क्या हमारे पास दुनिया की हाइएस्ट ब्रिज मौजूद है कश्मीर के अंदर? दूसरे नंबर पर क्या हमारे पास इलेक्ट्रिक ट्रेन मौजूद है, या ट्रेन इलेक्ट्रिक तो छोड़े सर, क्या हमारे पास ट्रेन सिस्टम मौजूद है हमारे कश्मीर के अंदर? नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है उनका। क्या अभी मेरी बात कहते खत्म नहीं हुई, क्या हमारे पास सबसे ऊंचा सिनेमा हॉल मौजूद है कश्मीर के अंदर? क्या सर कश्मीर के अंदर दुबई की बड़ी कंपनी एमआर कंपनी क्या इन्वेस्टमेंट कर रही है, बड़े दुनिया का अगर मैं बात करूं एशिया का सबसे बड़ा मॉल बनाने जा रही है, वो सर सब कुछ इंडिया के अंदर क्यों हो रहा है? इंडिया भरा मुल्क है हमसे भजन, वो देखे ना वहाँ की आबादी कितनी है मुझे भी बताएं। सर आबादी के लिहाज से अगर बात करेंगे दुनिया के पाँचवें नंबर पर तो हम भी हैं सर। उसकी मार्केट बढ़ी है ना, उसकी मार्केट बढ़ी है, हमारी भी कम नहीं, आपकी थोड़ी सी कम है सर। थोड़ी सी का क्या क्या होता है, अगर आबादी की आप बात करेंगे तो जापान देख ले, हमारे फैसलाबाद से छोटा मुल्क सर। इंडिया में वो लोग नहीं है जो रात को उठा के लेके जाते हैं, यहाँ वो लोग हैं जिनसे मैं अभी मुद्दे पे आए हैं, जिनसे मैं भी डरता हूँ आप भी डरते हैं, इंडिया में वो नहीं है। इंडिया में उन लोगों से परमिशन लेनी नहीं पड़ती किसी कंपनी को खोलने के लिए, यहाँ परमिशन लेनी पड़ती है सबकी, इंडिया में कमीशन देनी पड़ती है सिर्फ एक बंदे को, यहाँ देनी पड़ती है पाँच छः बंदों को, तो कंपनी कैसे यहाँ आएगी? सर इंडिया में मुझे लगता है कि कमीशन देनी नहीं पड़ती, अगर वो कमीशन देते तो दुनिया की पांचवी बड़ी मैशत ना बनते। मैं आपको उस मुल्क का निज़ाम कभी ठीक नहीं होगा जहाँ मैं निज़ाम अदल से हूँ, जहाँ निज़ाम अदल नहीं होगा इस मुल्क में, निज़ाम अदल नहीं है सर। हमारा जस्टिस कौन सा नंबर पे? मेरा ख्याल है कोई 100, मैं तो कहूँगा तो आखिरी नंबर पर, जो फिक्र आप काउंट करते हैं मैं उसको नहीं मानता, क्योंकि मुझे 22 साल हो गए हैं ये करते हुए, यहाँ निज़ाम अदल नहीं है, जिस मुल्क में निज़ाम अदल नहीं होगा वो बर्बाद होगा। अगर आप दुनिया में जाते हैं ना, दुनिया में हल्के से हल्के मुल्क, थाईलैंड हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये छोटे मुल्क हैं, अफसोस होता है आपको कि आप किस मुल्क में रह रहे हैं और कहाँ आए हैं, वहाँ निज़ाम अदल है सर, यहाँ निज़ाम अदल कोई नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू सर। बहुत कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाम आपका? शाहिद। सर क्या करते हैं? मैं गाड़ियों का बिजनेस करता हूँ। माशाल्लाह वेरी नाइस। सर बेसिकली बात करने का मेरा आज आपसे पर्पस ये है कि बताइएगा कि मुल्क के हालात कैसे हैं, और सबसे पहले बताइएगा कि हमारा रेलवे निज़ाम कैसा है, क्या हमारा रेलवे निज़ाम वाकई में उसी तरह का है जिस तरह का होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल वैसा नहीं है। एक्चुअली हमारा मुल्क का निज़ाम जो है ना वो बहुत स्लो प्रोसेस में है, जैसा चलना चाहिए वैसे नहीं चल रहा है। हमारे जो सियासतदान हैं उनको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, हमारी तो है ही नहीं, आप और हम तो कहीं पर है ही नहीं बीच में, तो जो सियासतदान है उनको जब तक वो तवज्जो नहीं देंगे तो निज़ाम अच्छा नहीं होगा। जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसके सियासतदान तवज्जो दे रहे हैं, उसकी जो रेलवे निज़ाम है बहुत अच्छा है, बेहतर है पाकिस्तान की नस्बत। दुनिया के अगर आप 10 मुल्कों के फहरिस्त निकालेंगे तो इंडिया का रेलवे निज़ाम आपको दूसरे या तीसरे नंबर पर मिलेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। वो क्यों अपने तरक्की की तरफ ध्यान दें? वहाँ के लोग सिंसियर हैं अपने उनके साथ, यहाँ हमारा कोई भी सिंसियर नहीं है। सियासतदान क्या आप किसी भी फील्ड में चले जाएँ, इवन क्लर्क भी कोई अपने इदारे के साथ संशयन नहीं होता। जब तक आप संशयन नहीं होंगे अपने घर के साथ तो आपका घर कैसे तरक्की करेगा? सर इंडिया के अंदर जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक ट्रेन को चला दिया गया जी। बिल्कुल।
बताएं जरा आप मुझे कि अगर मैं बात करूं ट्रेन निज़ाम की, 180 की स्पीड से चलती है वहां की ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन हो गया, और इसके अलावा इतने ट्रेन के निज़ाम है कि मैं आपको गिना नहीं सकता। सर रेलवे निज़ाम की अगर मैं बात करूं तो कितना ज़रूरी है कि एक मुल्क के डेवलपमेंट के लिए बाहर से कोई फॉरनर घूमने आता है या फिर जो पाकिस्तानी पब्लिक है इनकी ज़िंदगी कितनी आसान होती है इस निज़ाम से? नहीं, रेलवे का निज़ाम बहुत ज़रूरी है। इवन अब यहाँ पे कोई भी आपको शरीफ इंसान रेलवे पे सफ़र करना मुनासिब नहीं समझता ख़ुद को। इतना निज़ाम बेहतर हो कि हम लोग उसको सफ़र करें। हम लोग बस पे तरजीह देते हैं या अपनी गाड़ी को तरजीह देते हैं, हम लोग कभी भी रेलवे को तरजीह नहीं देते हैं। तो निज़ाम कम अज़ कम इतना हो, इस काबिल हो कि हम लोग तरजीह दें उसको। सर कश्मीर के रिलेटेड थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हम यहाँ पर यह समझते हैं कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रही, इंडिया के कश्मीर के अंदर क्या समझते हैं एक इलाके में रहने वाले लोग, मैं हो या आप हो, हम क्या चाहते हैं ज़िंदगी में? आसानी चाहते हैं ना, सारी चीज़ सस्ती चाहते हैं। वो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें ज़िंदगी की फैसिलिटीज़ दे, हमें सब्सिडीज़ दे। तो क्या हमें वो सब्सिडीज़ मिल रही हैं? अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो क्या हमें ज़्यादा मिल रही है, जम्मू कश्मीर के लोगों को ज़्यादा सब्सिडीज़ मिल रही है? नहीं, मेरे ख्याल में देखें, आप तो कश्मीर की बात कर